friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss a very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detailed discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provided link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another new video. So today's topic is cell envelope and its modification. So matlab, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के बाहर जो एक कवरिंग पाई जा रही थी, एनवेलप पाया जा रहा था, और उसका मॉडिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो फर्स्ट वी रीड व्हाट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट यू विल राइट ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इशू मैनर. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो हमारे जो प्रोकैरियोट होते हैं, हम सभी जानते हैं प्रोकैरियोट क्या होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं. प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं. तो हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में. द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी सेल को काउंट करते हैं हम लोग? बैक्टीरिया सेल को काउंट करते हैं. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मोनेरा के मेंबर हैं. बैक्टीरिया कहाँ के मेंबर हैं? किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं, ठीक है, याद रखेंगे. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, है ना. बैक्टीरिया सेल में होता है एक केमिकली मॉडिफाइड केमिकली कॉम्प्लेक्स जो होता है सेल एनवेलप होता है, यानी सेल का आवरण होता है. सेल एनवेलप मतलब कोशिका आवरण. क्या होता है? कोशिका आवरण. आवरण मतलब कवर, ठीक है, कोशिका का एक खोल होता है, ठीक है. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना. जो सेल एनवेलप होगा उसमें क्या होगा? टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा. टाइटली बाउंड क्या होगा? थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा. टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर होगा. थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन से? आउटर जो मोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, है ना. थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर में सेल एनवेलप होगा जो थ्री लेयर टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होगा. तो उस थ्री लेयर्ड में कौन कौन से आउटर मोस्ट जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, है ना, फॉलोड बाई द सेल वॉल, है ना, जो कि सेल वॉल बनाती है. जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी आउटर मोस्ट लेयर होगी, क्या बनाएगी? सेल वॉल बनाएगी, याद रखेंगे. जो बैक्टीरिया की सेल होती है, आउटर सेल जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो बोलेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स की. बैक्टीरियल की आउटर सेल जो होगी ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होगी. बैक्टीरिया सेल जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, याद रखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है. एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना. आउटर जो सेल होगी ग्लाइकोकैलिक्स की होगी, उसके बाद क्या पाया जाएगा उसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये सारे जो एनवेलप यानी जो सेल का एनवेलप होगा, बैक्टीरिया की सेल का एनवेलप होगा, ये सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, है ना. ये अलग अलग होंगी तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी, बट जब सारी तीनों लेयर ये साथ मिल जाएंगी तो क्या करेंगी? सिंगल एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाएंगी, यानी प्रोटेक्शन का काम करेंगी, यानी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करेंगी. सीधा सा मतलब ये है ना, एक्ट, ये जब सिंगल ये सारी की सारी तीनों साथ मिल जाएंगी तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाएंगी, है ना. तो बैक्टीरिया की सेल बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, जो कि आउटर मोस्ट होती है, ठीक है. बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप. बैक्टीरिया जो सेल होता है उसको टू ग्रुप में क्लासीफाइड कर सकते हैं. किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीडर डेवलप बाई ग्राम, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये बताता हूँ आपको. जो बैक्टीरिया को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं दो ग्रुप में. कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? वो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप हो सकते हैं और ग्राम निगेटिव ग्रुप हो सकते हैं, है ना. किसके बेसिस पे करेंगे? डिफरेंस सेल मैनर विद रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर, है ना. स्टेनिंग प्रोसीजर जो था हमारे क्रिश्चियन ग्राम साहब ने दिया था. किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम, है ना. इनके नाम से ही ये ग्राम स्टेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आया, है ना. ग्राम
स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्रिश्चियन ग्राम साहब ने दिया था, जो कि क्या के साइंटिस्ट थे, डी यू से एच यानी डच के साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम साहब, इन्होंने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया था। ठीक है, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले रहा था, है ना, जिस बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन की स्टेनिंग हो रही थी यानी उसका जो स्टेन ले रहा था उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला और जो नहीं ले रहा था उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोला। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव को ग्राम निगेटिव से क्या डिफरेंस करता है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो टीकोइक एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टीकोइक एसिड की इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी होगी वो टीकोइक एसिड की बनी होगी। ठीक है, टीकोइक एसिड की बनी होगी और इसके जो सेल वॉल में होगा, इसके जो वॉल में होगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेश लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना। इसमें बहुत मेश लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो घना होगा। जब इसमें हम क्रिश्चियन वैलेट से इसको स्टैंड करते हैं तो इसमें जब डालेंगे कलर तो इसमें कलर जो होगा वो फंस जाएगा, है ना। फिर जब एथिल एल्कोहल से वाश करेंगे तो ये कलर इजीली हटेगा नहीं, यानी इसके जो डेंस मेश लाइक स्ट्रक्चर है इनके बीच में कलर यानी क्रिस्टल वैलेट कलर का क्रिस्टल वैलेट जो होगा वो इसके स्टैंड फंस जाएंगे इसमें और वो हटेंगे नहीं। ठीक है, इस वजह से ये स्टैंड को अपने अंदर लिए रहेगा यानी स्टैंड इसमें रिटेन रहेगा यानी बना रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला, क्योंकि ये ग्राम स्टैंड को ले रहा है। ग्राम स्टैंड प्रोसीजर किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन ग्राम साहब ने किया था, जो कि डच के साइंटिस्ट थे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो ग्राम निगेटिव होता है, जो ग्राम निगेटिव हमको बताया गया है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपोपॉलीसेक्राइड किसकी सेल वॉल बनी होती है, लिपोपॉलीसेक्राइड की इसकी वॉल बनी होगी, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें जो सिर्फ एक ही होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो फिर वर्टिकल होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसमें लेयर्स पाए जाएंगे। इसमें जो मेश वर्क होगा वो उतना डेंस नहीं होगा, तो इसमें जो क्रिस्टल वॉलेट से हम इसको स्टैंड करेंगे और एथिल एल्कोहल से जब वाश करेंगे तो वो क्या होगा ना, इसका जो स्टेन है वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा और वो अपना वायलेट कलर रिटेन नहीं कर पाएगा, यानी वायलेट कलर उसमें ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएगा, इसलिए इसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोला, है ना। किसके बेसिस पे? स्टेनिंग के बेसिस पे, याद रखेंगे। ज़्यादा इसमें डीपली जाने का नहीं, बट इतना है, नॉर्मल है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने टू टाइप ने ग्रुप में किया, जिसमें क्रिश्चियन ग्राम साहब ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे जो स्टैंड ले रहे थे, ग्राम स्टैंड ले रहे थे, जो नहीं ले रहा था उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था। आगे देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनिंग एवं एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसका क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है इसका कंपोजिशन और अपने थिकनिंग के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया पे वो डिफरेंट हो सकता है। इट कुड बी लूज सी कॉल्ड स्लैम लेयर, है ना, ये हो सकता है लूज सीथ, है ना, ये जो कवरिंग होगी लूज सीथ हो सकती है वो स्लैम लेयर की, है ना, स्लैम लेयर की लूज सीथ हो सकती है। इन सम कुछ बैक्टीरियों में लूज सीथ हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, स्लैम लेयर बोलेंगे। और कुछ में क्या होगा, वाइल इट अदर इज मेक थिक एंड टफ, और कुछ में क्या होगी, वो थिक हो जाएगी और टफ हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैप्सूल बोलेंगे। को जो कैप्सूल होता है तो वो क्या होता है, थिक होता है और टफ होता है, और जो लूज सीथ होती है जिसको स्लैम लेयर बोलते हैं वो लूज होती है। ठीक है, याद रखेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड कराती है, सेल वॉल एक सेल को शेप देती है, है ना, सेल वॉल जो होगी शेप प्रोवाइड करवाती है सेल को। ठीक है, और क्या कराती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कराएगी कि बैक्टीरिया के में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में कोई डिफेक्ट ना आए, इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बैक्टीरिया को। उसमें क्या कराएगी कि वो बैक्टीरिया जो है वो बरस ना हो, यानी फटे ना, यानी पता बैक्टीरिया की सेल है उसको फट गई वो, है ना, कोलैप्सिंग यानी वो सुखड़े उखड़े ना, प्रोलैप्स ना हो, है ना, यानी बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग में वो बैक्टीरिया सेल को सपोर्ट करती है, उससे बचाती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिबल इन नेचर होती है और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सेलवाल होती है, सेलवाल जो होगी ये सब के लिए परमिबल होगी, परमिबल फॉर एवरीथिंग, परमिबल फॉर एवरीथिंग, ये सेलवाल जो होगी उससे सारी की सारी चीज अंदर आ जाएगी, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही अंदर आ पाएंगी, ठीक है, उससे सिर्फ सिलेक्ट चीज़ें ही अंदर आ पाएंगी, बाकी सेलवाल से सारी की सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। याद रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर बट सेलवाल इज फ्रिंक्लिटी, मतलब सबके लिए परमेबल हो जाएगी, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर टू डेट ऑफ द यूकेरियोट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों में सेम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होगा दोनों में सेम होगा, ठीक है। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द म्यूजोसोम, है ना, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूजोसोम बोलते हैं। ये होता है होमोलागस टू, मैंने आपको बताया था होमोलागस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलागस होता है, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, जो म्यूजोसोम बनता है तो कैसे बनता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल में एक्सटेंस होकर बाहर आ जाती है, मतलब एक्सटेंशन का मतलब होता है उभार, है ना, इसका मतलब क्या होता है, उभार, ये उभार अपने बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन हो जाएंगे सेल में और ये उसी से म्यूजोसोम बनेगा, ठीक है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, है ना, ये एक्सटेंशन हो सकते हैं किसके फॉर्म में हो सकते हैं, वो वेसाइकल हो सकते हैं, है ना, वेसाइकल जो होंगी चीज़ों को स्टोर करेंगी, है ना, वेसाइकल होंगी चीज़ों को स्टोर करेंगी, ये ट्यूबुल्स लाइक भी हो सकते हैं, लैमली लाइक हो सकते हैं, जैसे स्टोमा लैमली, हम लैमली मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले से, ठीक है, टेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको लैमली बोलते हैं, ट्यूबुल्स लाइक यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, वेसाइकल मतलब छोटे छोटे ऐसे वेसाइकल छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम वेसाइकल बोलेंगे, इनमें कंटेंट कुछ होगा वो स्टोर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दे हेल्प इन सेलवाल फॉर्मेशन, है ना, जो मेजोसोम होता है वो क्या करता है, सेलवाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये हमको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना, सेलवाल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये म्यूजोसोम के फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सेलवाल फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के बाद क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, कंटेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डाटा सेल में, है ना, डाटा सेल में डीएनए के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये इसका जो है मेन है ना, मेन वर्क ऑफ म्यूजोसोम, अगर हमको पूछा जाए म्यूजोसोम का मेन फंक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, मेन फंक्शन होगा हेल्प इन रिस्पायरेशन, है ना। अगर सारे के सारे इसके फंक्शन दे दिया गया कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डीएनए, मतलब इसका डीएनए का कंटेंट को डाटा सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, तो इसका मेन फंक्शन जो आएगा अगर क्वेश्चन में तो हम लोग रिस्पायरेशन करेंगे, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्रीशन प्रोसेस, ये सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और क्या करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट जो एंजाइम का कंटेंट होगा, ठीक है, उसको इंक्रीज करेगा। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, एक अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में यानी साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, विच कंटेंट पिगमेंट, इसके नाम से क्रोमा जो वर्ड होता है ना, क्रोमा जो वर्ड होता है वो पिगमेंट से रिलेटेड है, यानी ये कलर से रिलेटेड है, ये पिगमेंट वर्ड जो होता है क्रोमा वर्ड पिगमेंट से रिलेटेड है, यानी कलर से रिलेटेड है। तो क्रोमेटोफोर जो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, कंटेन
पिगमेंट पिगमेंट को कंटेन करेंगे। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरिया की सेल हो सकती है वो मोटाइल हो सकती है और नॉन मोटाइल हो सकती है, यानी बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर वो मोटाइल होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा वो बताते हैं आगे आपको। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, है ना। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसकी सेल वॉल में एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल वॉल में, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे, जो कि सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। बैक्टीरिया सो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल, है ना। बैक्टीरिया जो नंबर के बेसिस पे और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनका बैक्टीरिया के फ्लैजेला का अरेंजमेंट क्या है, कि एक ही टप पे हैं या उनके चारों तरफ बैक्टीरिया में फ्लैजेला हैं, है ना, सिंगल फ्लैजेला है, किस टाइप की फ्लैजेला है, सारे इनके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यानी बैक्टीरिया में फ्लैजेला कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसके बेसिस पे फ्लैजेला बैक्टीरिया बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया के फ्लैजेला सिर्फ एक है, एक फ्लैजेला है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस फ्लैजेला, मोनोट्राइकस बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया के सेल बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में अगर फ्लैजेला सिर्फ एक जगह से निकले हुए हैं, मतलब एक पॉइंट से निकले हुए हैं और बहुत सारे हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस, वो कैसे बोलेंगे, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजेला जो है वो चारों तरफ से हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजेला चारों तरफ फैले हुए हैं, तो उसको बोलेंगे, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, है ना, तो उसको पेरीट्राइकस बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजेला दो टप से निकले हुए हैं, यानी एक पॉइंट इधर से, यानी दो बंच में निकले गए हुए हैं, दोनों तरफ निकले गए हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ अबाउट अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला और बैक्टीरिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजेला इज, बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला होते हैं उनमें थ्री पार्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया के फ्लैजेला में कौन से, तीन पार्ट होंगे। एक तो जो फ्लैजेला होगा उसमें तीन पार्ट होंगे, फ्लैजेला में एक होगा फिलामेंट, एक होगा हुक और एक होगा बेसल बॉडी, ठीक है, तीन पार्ट होंगे। हमसे पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया फ्लैजेला में, यानी फ्लैजेला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। आगे देखते हैं, द फिलामेंट, जो फिलामेंट होगा, है ना, फिलामेंट का मतलब होता है, है ना, एक धागे की नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, धागे की नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट तो बोले इसको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द फिलामेंट, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, है ना। जो फिलामेंट होता है ये कैसा होता है, फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट होता है, फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और ये सेल सेल सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है। मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है, ये जो हमको बाहर दिखेगा ना, ये बाहर जो दिखेगा हमको, ये हमको क्या दिखेगा, ये फिलामेंट ही होगा, ये जो दिखेगा हमको ये फिलामेंट दिखेगा, सेल सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, सेल सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है, आउटसाइड ऑफ द, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द फ्लैजेला, मतलब सेल सरफेस से बाहर होगा। अब फ्लैजेला के अलावा क्या होगा, ठीक है, सेल में, बैक्टीरिया के सेल में फ्लैजेला के अलावा भी और सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हम ये देख लिया कि जो फ्लैजेला होगा इसका, फ्लैजेला होगा उसमें फिलामेंट होंगे, हुक होंगे, बेसल बॉडी होगी। जो फिलामेंट होगा, फिलामेंट होगा लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, और जो एक्सटेंड होगा फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, है ना, जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, बिसाइड, मैंने आपको बताया था भाई बिसाइड का मतलब इसको साइड कर दो, इसके अलावा बात करो, यानी बिसाइड का मतलब फ्लैजेला के अलावा उसमें और क्या पाया जा रहा है, तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा, पिलाई और फिमराई पाए जाएंगे। ये जो दोनों हैं ये नॉट हेल्पिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नॉट हेल्पिन, नॉट हेल्पिन मोर्टलिटी, यानी ये मोर्टलिटी में हेल्प नहीं करेंगे, है ना,
जैसे फ्लैजला है मोटलिटी में, सीलिया है मोटलिटी में हेल्प करते हैं, बट पिलाई फिमराई का डिस्टिंक्ट फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। जो पिलाई होते हैं वो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, यानी कंजुगेशन कराएंगे बैक्टीरिया में ड्यूरिंग सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्शन में, ठीक है समझ जाओ, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे कंजुगेशन, ठीक है। और फिमराई जो होती हैं ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करती हैं चट्टानों में, है ना, बैक्टीरिया को चट्टान में हेल्प करेंगी अटैचमेंट में, पर इनका मोटलिटी में कोई रोल नहीं होता है। देखते हैं आगे, बिसाइड द फ्लैजला पिलाई एंड फिमराई आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। जैसा फ्लैजला होता है पिलाई और फिमराई भी सरफेस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि फ्लैजला जो होता है वो भी सरफेस स्ट्रक्चर होता है, पिलाई और फिमराई जो होते हैं ये भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ ऑफ बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटलिटी, है ना, बट ये क्या रोल नहीं करते हैं, यानी ये मोटलिटी कॉज नहीं करवाते हैं, इनका कोई भी योगदान मोटलिटी में नहीं होता है, ठीक है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड इन स्पेशल प्रोटीन, है ना। जो पिलाई होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। स्पेशल प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन होती है, वो पिलिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, पिलिन प्रोटीन होती है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पिलाई जो बनी होती है वो किसी स्पेशल प्रोटीन से बनी होती हैं, तो कौन सी, पिलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में, ये किसमें हेल्प करेंगी, पिलाई जो हेल्प करेंगी सेक्सुअल कंजुगेशन, सेक्सुअल कंजुगेशन कंजुगेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करेंगी, ठीक है पिलाई। आगे देखते हैं, जो फिमराई आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जो फिमराई होती हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होती हैं, जो कि स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स जो होते हैं ये स्प्रेड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी ये सेल से बाहर निकले हुए होते हैं फिमराई, ये ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नो टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया रॉक इन स्टीम एंड आल्सो होस्ट टिश्यू, है ना। ये जो फिमराई होंगी किसमें हेल्प करेंगी, अटैचमेंट में हेल्प करेंगी चट्टानों में, है ना, और होस्ट टिश्यू यानी बैक्टीरिया जब किसी को होस्ट बनाएगा, किसी की बॉडी में जाएगा, तो वहाँ पे भी अटैचमेंट में ये हेल्प करती हैं क्या, फिमराई, है ना। तो फिमराई का काम क्या हुआ, हेल्प इन अटैचमेंट में ये हेल्प करेंगी, ठीक है। और पिलाई का काम था सेक्सुअल कॉन्जुगेशन यानी रिप्रोडक्शन में, फ्लैजला का काम था मोटलिटी में, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, इंक्लूजन बॉडी का मतलब किसी बॉडी के अंदर भी वो इंक्लूड होंगी, है ना, बॉडी के अंदर भी वो समाहित होंगी, बॉडी विद इन बॉडी बोल सकते हैं इसको, इंक्लूजन बॉडी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद मी।